न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई सम्पन्न। गोरखपुर महोत्सव के आयोजन को सफल बनाने पर हुई चर्चा। 14 दिसंबर को दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने कहा, सुलह समझौते के आधार पर होगा मुकदमों का निस्तारण। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य महिला उत्पीड़न की घटनाओं की महिला जन सुनवाई समीक्षा बैठक। कहा, महिलाओं से संबंधित मामलों पर तुरंत लें एक्शन। एडीएमसीडी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों की बैठक। निर्वाचन नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किए जाने पर भी चर्चा। एडीएमसीडी ने कहा, नए मतदाता सूची में दर्ज करा लें अपना नाम। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले लेखपालों ने 8 सूत्रीय मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। दी मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। चंपा देवी पार्क में चल रही श्री मद भागवत कथा के 4th दिन कथा हुआ संपन्न। सुप्रसिद्ध कथावाचक साध्वी आस्था भारती के नन्हे कान्हा की बाल लीला, माखन लीला और गोवर्धन पूजा के मनोहारी प्रसंगों पर श्रद्धालु हुए भाव विभोर। जिला कांग्रेस कमेटी ने नागरिकता संशोधन बिल को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। का हर कदम पर करेंगे इसका विरोध। और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने डिप्टी लेबर कमिश्नर के माध्यम से केंद्रीय श्रम मंत्री को भेजा ज्ञापन। लेबर डे पर छुट्टी की मांग।